मैं बनाने वाली हूँ निशास्ता। ये एक ऐसी रेसिपी है जो खास विंटर्स के लिए है, और हमारे जो कमर में दर्द, जॉइंट्स पेन जो रहता है, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, और इसके लिए भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। ये हमारे पूरे दिन को ये बहुत ही एक्टिव रखेगी। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने ओवरनाइट भिगो करके रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने नारियल लिए है, नारियल के 2 टुकड़े मैंने लिए हैं, और यहाँ पे 5 मैंने छुहारे लिए हैं। कुछ बादाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, 15 से 20 बादाम मैंने यहाँ पर ऐड करें। आधी कटोरी मखाने ऐड करे हैं, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चिरौंजी ऐड करी है, और मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर चारों मगज के बीज ऐड करे हैं, और कुछ मैंने यहाँ पर किशमिश भी ऐड करी है जिसको मैंने भिगो दिया है अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ों को एक साथ रखकर भिगो देना है पूरी रात के लिए, और सुबह इसे पीस लेना है। और कुछ मैंने काजू यहाँ पर लिए 15 से 20 जो मैंने अलग से भिगो दिए थे। तो ये सारी चीज़ों को हमें मिक्सी जार में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मखाने ऐड कर दिए हैं, उसके बाद हम बादाम ऐड कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर छुहारे जो मैंने यहाँ पर भिगो करके रखे हैं इसे हम काट लेंगे अच्छे से। काट करके हमें बीजें निकाल देनी है, जो इसकी कुटली है उसे निकाल देना है, और इस तरह से काट करके हम इसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम नारियल को भी छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से ऐड कर देंगे, और जो यहाँ पर चिरौंजी और चारों मगज के बीज बचे हैं वो इस तरह से निकलेंगे नहीं हाथों से, तो इसलिए हम इसे छान लेंगे। सारी चीजों को छान करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो काजू मैंने लिए थे इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये काजू मैंने अलग से इसलिए लिए थे ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके घर में किसी को पथरी है तो प्लीज ये काजू स्किप कर दें। इस काजू जो है वो पथरी में बहुत नुकसान करते हैं, तो मैंने इसलिए अलग से इसे भिगो दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग निकाल कर फिर पीसना था ये मेवा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें ऐड कर दी हैं, और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है। दूध आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी जैसी आपको रखनी है, पतली या फिर गाढ़ी। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे हमने फाइन पेस्ट बनाकर पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहें तो इसमें दूध ऐड करके पतली भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच के करीब हम प्योर घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 लौंगे ऐड कर देंगे, आप चाहें तो 1 इलायची भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और अब हम यहाँ पर पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हमें 1-2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। बहुत ज्यादा देर तक हम इसमें बॉईल नहीं देना है, बस 1 बॉईल जैसे ही आएगा हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप बिना शक्कर का इसे बनाकर खाएं या पिएं तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा आपको। अगर शक्कर ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी शक्कर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बनकर हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।